There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Hi everyone, so welcome back to my YouTube channel once again. I hope you are doing great. वो तो उतना बोल रही हूँ कि नहीं वैसे लग रहा है मुझे ऐसा कुछ नहीं है. बहुत तेज बारिश हो रही है और आज है मेरा एग्जाम. आता जाता मुझे कुछ नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस फुल है हमेशा की तरह. तो एग्जाम देके आपसे मिलते हैं, जब तक आप देख लीजिए बारिश का मौसम. सो एज यू ऑल नो इट्स अ रेनी डे और बहुत जोर की बारिश हो रही है. तो मुझे छोड़ा आज मेरे डैड ने यूनिवर्सिटी में और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और लेट हो रहा है मुझे. तो सीधा अब एक काम करते हैं, अंदर ही जाते हैं. देखो ये ट्रैफिक रूल्स का कैसे पालन हो रहा है, आई डोंट नो क्या बोल रहे हैं. छोड़ो चलो. तो एग्ज़ाम मेरा स्टार्ट होने वाला है और बहुत जोर की बारिश हो रही है. मुझे बहुत लेट हो गया, मैं जल्दी से जाने जल्दी क्यों जल्दी आई मीन ओके जल्दी से जा रही हूँ. बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है. तो मेरे साथ साथ और भी बच्चे आ चुके हैं और आज जो मेरा सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी में बना, जैसे आपको पता है लाइब्रेरी में तो अंदर जाती हूँ एग्जाम देके. आपसे बाद में मिलती हूँ. हाय एवरीवन, एग्जाम देके आ गई हूँ. पापा आ गए हैं, फिर मिलती हूँ. तो कौन आया है, आप मुझे लेने आए हो? और क्या, इतनी बारिश हो रही है और बारिश में मुझे पिक करने आए हैं. ठंड बहुत है. हाँ लेकिन ज्यादा मत रखना, ऐसे बीमार हो जाऊंगी फिर मैं, वरना पर हो गया है. और जो पेपर है अब इससे समझेंगे आपके मेरा पेपर कैसा हो गया है. सो क्या लगता है कैसा हुआ है कमेंट में बता दो. और यूनिवर्सिटी तो भोपाल से बहुत पास पड़ता है, आपको पता है मुझे भोपाल से कितना प्यार है. तो मैंने उनको बोला अपने पापा को कि आप प्लीज़ मुझे वहाँ लेके जाओ, मुझे नेस्कैफे जाना, सैंडविच खानी है. उन्होंने मुझे बोला सीधा साफ साफ मना कर दिया. उन्होंने बोला दयाल जाइए वहाँ से ले दीजिए और वहीं से सीधा हम घर चलेंगे क्योंकि लेट बहुत हो रहा है. तो हम दयाल से सामान ले चुके हैं, यानी कि मुझे बस सैंडविच लेनी थी तो वो मैंने ले ली है 100 रुपये में से. आई थिंक मेरे बहुत से पैसे बच गए, वो अब बहुत जल्दी देखेंगे. और अभी यहीं से हम घर चलेंगे. गाइस आई एम बैक टू होम विद माय सैंडविच, माय नोटबुक. बहुत पढ़ाई लिखाई कर दी आज, अब एग्जाम नहीं होगा. मैं सो के आता है, मतलब हाँ मैं सोऊंगी, ये ठीक बोला ना. चलो ठीक है चले. तो मेरा अमेजोन से पार्सल आ चुका है और मैंने अपने लिए मंगवाया है आईब्रो पेंसिल फ्रॉम ब्लू हेवन, विच इज़ जस्ट ऑफ ₹122. बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे है और मुझे किसी ने सजेस्ट किया था. तो देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं. मैं फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट यूज़ करने वाली आपके सामने अनबॉक्स कर रही हूँ. लेट जस्ट सी जितना ये अफोर्डेबल है और मतलब अच्छा भी है उतना या नहीं है. सो इट्स अ ब्राउ पेंसिल और मैं ये यूज़ करने वाली हूँ. तो आपके सामने मैं यूज़ कर रही हूँ. तो पहले हम अपना राइट आई पे यूज़ करेंगे, देन हम अपना लेफ्ट आई पे यूज़ करेंगे. और टू बी ऑनेस्ट मैं जैसे ही अप्लाई करती थी मुझे समझ में आया कि ये इतना अच्छा भी प्रोडक्ट नहीं है जितना मुझे लग रहा था. सो मैं इस पर कभी दोबारा इन्वेस्ट नहीं करूँगी, इट्स अ नो नो. हंस क्यों रहे हो? हंस क्यों रहे हो? फोटो नहीं है ये, जो वीडियो मुझे पता है प्लान है हमारे. तुमने कहा है इनकम टैक्स से कोई है, उनका मैसेज आया है. इनका काम करते हैं, इनका कार्यक्रम खत्म कर, मसला चले फिर. चलो चलते हैं. तो जिनका काम था वो ख़त्म कर लिया और हम यहाँ पे आए हैं अभी बक्शी नगर में. उन्होंने कहा कि फ्रूट मंडी है यहाँ पे अच्छे फ्रूट्स मिल जाते तो ट्राई करते हैं. और हम यहाँ से सीधा पेट्रोल पंप के पास आए पेट्रोल भराने और यहाँ पे इनको और फ्रूट्स मिल गए. तो मतलब फ्रूट्स बहुत खरीदते हैं, इसकी वजह से मैं भी बहुत फ्रूट खा पाती हूँ थैंक्स टू हिम. इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ परेड मार्केट, इसको क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती जगह को. अगर आप जानते डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो एक्चुअली घर पे एक रूम है जो काफ़ी टाइम से हमने बंद रखा, कभी यूज़ ही नहीं किया है. तो सोच रही क्यों ना उसको एक नया सा मेकओवर दिया जाए. तो मैं वॉल टू वॉल देखने आई हूँ तो उसका प्रोसेस भी शायद ऐसा शेयर करूँगी. एंड अब मैं बहुत थक चुकी हूँ, घर जाऊँगी सीधा और जो व्लॉग्स वगैरह मैं देख कर अब मैं रेस्ट करूँगी. काफ़ी दिन से ना नींद मेरी पूरी नहीं हुई तो सोच रही क्यों ना ये देखने के बाद मैं रेस्ट करूँ आराम से. और ऐसे और व्लॉग्स देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा व्लॉग. तो जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और मैं नेल एक्सटेंशन भी करवाऊंगी 1 या 2 दिन में. तो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, जल्दी मिलते हैं. टूडल्स फॉर नाउ.